हेलो टू ऑल जिन्होंने अभी रिसेंटली 2024 में अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है और बनना चाहते हैं इस देश के भावी शिक्षक, बट आपको नहीं पता है कि टीचर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना है, कहाँ से करना है, कब एडमिशन होता है, क्या कट ऑफ होती है, एंट्रेंस पे होता है या मेरिट पे होता है, क्या आपको टीचर बनने के लिए CUET देना पड़ेगा या नहीं। आपके ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ अपने इस चैनल पे। यस गाइस, दिस इज ओनली योर वन लास्ट स्टॉप डेस्टिनेशन। आपके इन सभी डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूँ मनीषा मीना और हमेशा की तरह मैं आपके साथ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ DLED एंड टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑथेंटिक एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जैसे कि आपको थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। यस गाइस, सेशन 2024 से लेके 2026 तक का जो आपका DLED एंड DPSC का बैच होने वाला है, उसके लिए एडमिशन प्रोसेस SCERT दिल्ली में स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अभी सिर्फ 12th है, यस गाइस, दिल्ली में डायरेक्ट 12th के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। आपको सिर्फ एक DLED नाम का एक कोर्स करना होता है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। सो वन बाय वन मैं आपके साथ इस वीडियो में दोनों के ही बारे में एक छोटा सा बता देती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली DLED। तो DLED आपका 2 साल का कोर्स रहता है जो आप डायरेक्टली 12th के बाद करते हैं। इसको करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि 1st से लेकर 5th तक के क्लास को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप DLED कोर्स करते हैं तो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, DLED में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन अब नहीं होता, पहले इसमें मेरिट बेस पे होता था, बट अब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, उसके बाद जो आपके स्कोर रहेंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ बनती है एंड देन आपका एडमिशन होता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एक कोर्स होता है DPSC, जो कि ओनली फॉर फीमेल्स के लिए होता है। जो हमारी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो टीचर बनना चाहती हैं वो DPSC कोर्स कर सकती हैं। अब ये DPSC क्या है? तो DPSC होता है बेसिकली प्री प्राइमरी टीचर्स, जो प्ले स्कूल, नर्सरी, UKG, LKG, यानी कि 1st क्लास से नीचे की जो क्लासेस होती हैं, जो सेकेंड age 2 to age 6 तक के बच्चों को जो डील करती हैं, जो उन्हें पढ़ाती है, वो टीचर्स जो होते हैं वो DPSC करने के बाद आप बन पाते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको प्री प्राइमरी टीचर बनना है तो आप DPSC कोर्स में एडमिशन लेंगे। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है class 1 to 5 के लिए तो आप DLED में एडमिशन लेंगे। दोनों के लिए ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अब एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं अगर हम गर्ल्स हैं तो? तो यस, आप एक ही फॉर्म से दोनों में अप्लाई कर सकते हैं आई थिंक। सो आपको क्या करना है, जब आप SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी यहाँ पे, SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे 24 अप्रैल यानी कि अभी रिसेंटली SCERT ने अपना प्रॉस्पेक्टस शेयर कर दिया है कि DLED क्या होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको 1st ईयर में क्या पढ़ना है, 2nd ईयर में क्या पढ़ना है, क्या आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या हमारा क्राइटेरिया है, सारी डिटेल्स आपके साथ प्रॉस्पेक्टस में शेयर की जाती है। तो अभी क्योंकि फॉर्म नहीं निकले हैं, डेट है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो तब तक जब तक फॉर्म रिलीज नहीं होता तब तक आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करें साइट से, उसको पढ़ें। मैं भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, प्लस आप उस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर्म जो आएंगे वो आपके 25 अप्रैल से लेके 15 मई तक की डेट दी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट हमारे साथ आई है न्यूज़पेपर में, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो 25th ऑफ अप्रैल से लेके
15th ऑफ मई तक आपके डीएलएड एंड डीपीएससी के फॉर्म ऑनलाइन फिल होंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं खुद से, तो आप बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है, क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे आपको कोई बटरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं खुद डीएलएड कर रखी है मैंने डायरेक्ट मोतीबाग से और एज अ सीनियर, और यहाँ पे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, तो मेरा ये काम है कि आपको रियलिटी चेक्स दिखाना और आपको बताना, एक तरीके से गाइड करना मेरी ड्यूटी है कि क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप सही से चीज़ें करें, फॉर्म में कोई मिस्टेक ना करें और आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो एज योर बिग सिस्टर, एज योर सीनियर, एज योर मेंटर, आप कैसे भी ले सकते हैं, आपका जो फॉर्म फिल कर दिया सपोज आपने, उसके बाद आप एंट्रेंस देंगे एंड ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस देते हैं, तो आप इस भरोसे में मत रहना कि यार मेरे पास तो रिजर्वेशन है या मैं अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा हूँ तो मेरा तो एडमिशन हो ही जाएगा। इस घमंड में या इस कॉन्फिडेंस में मत रहना, आपको मेहनत करनी है। सिलेबस जो रहेगा एंट्रेंस का वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी आपके साथ नोट्स एंड एमसीक्यू फॉर्मेट वगैरह सब कुछ शेयर करने का मैं कोशिश करूँगी, बट क्योंकि अभी मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा नहीं हो पाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो उसके बाद आप एंट्रेंस देंगे, पेपर बहुत हार्ड आता है तो आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट डाइट मिलेगा, अदरवाइज फिर आप प्राइवेट में धक्के खाओगे, वहाँ पे ऑब्वियसली फीस ज़्यादा होती है और वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट डाइट का जो डिफरेंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, कंपटीशन बहुत होता है, सेंटर्स बहुत दूर दूर आते हैं, तो आपको अपना बेस्ट देना है, कोई भी चांस नहीं लेना, सामने वाले बंदे को कोई मौका नहीं देना कि वो आपको रिजेक्ट करे या आपका एडमिशन प्रोसेस वो कैंसिल करे, क्योंकि आपका कट ऑफ में नाम आ गया उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। ये मैं सोच रहा कि कट ऑफ में नाम आ गया तो 100% आपका एडमिशन हो गया, नहीं, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता, आपके पास आपकी एडमिशन स्लिप नहीं आ जाती, आप क्वार्टरली फीस पे नहीं कर देते, तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि यस आपका एडमिशन हो गया है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से देते हैं या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो पहले तो पढ़ के जाते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से होती है, बट एग्ज़ाम में मैथ्स जो है वो ज़्यादा टाइम ले जाता है, जिसकी वजह से बाकी का जो पार्ट होता है वो रह जाता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें ये आपको पहले से सीखनी है। उसके बाद दूसरी चीज़, कट ऑफ में आपका नंबर आ गया, आप उस दिन गए ही नहीं वेरिफिकेशन के लिए, आपने लिस्ट ही नहीं देखी, आपको पता ही नहीं है कि आपका नाम आ गया है और आप नेक्स्ट लिस्ट के टाइम पे जा रहे हो, तो नहीं होगा। जिसका जब नाम आता है, जब डेट होती है, आपको तभी जाना होता है उसी दिन उसी डाइट में। ये नहीं कि मेरा तो बड़ी दूर वाली डाइट में आ गया, मैं तो अपने पास वाली डाइट में जाऊँगा वेरिफिकेशन के लिए, ऐसे नहीं होता है। जहाँ आपका नंबर आता है आपको वहीं जाके अपनी वेरिफिकेशन करवानी है, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन में भी आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होनी चाहिए, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ खुद 3 बार ये चीज़ हो चुका है कि 2 बार मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इनकम्प्लीट थे, 3री बार में मैंने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि यार 3 बार फॉर्म भरा है अब क्या मिस्टेक करूँगी, बस फॉर्म भर दिया, वेरिफिकेशन के लिए गई तो पता चला मेरी मम्मी के नाम में मैंने एक अल्फ़ाबेट की मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये मिस्टेक आप मत करना, ट्रस्ट में गाइज, ध्यान से फॉर्म फिल करना, कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो जल्दीबाजी मत करना। ये चैनल आपके लिए है, मैं यहाँ पे आपके लिए हूँ, आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। जो मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि स्पेशली एडमिशन के टाइम पे मैं आप सबका कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, इतना सा भी कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछे, बट मिस्टेक मत करना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी या फिर मेरे अबाउट सेक्शन पे है, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके भी मुझसे पर्सनली अपने क्वेरीज पूछ। सो आई एम हेयर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, किसी भी तरीके का आपका कोई डाउट है, तो आई एम हेयर, जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन द कॉमेंट सेक्शन,
और ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। सो दैट्स इट आज की वीडियो। मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। एंड यस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे यार सब्सक्राइब। मेरे इस चैनल पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक वीडियो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना। आपके जो व्यूज़ आते हैं मेरे चैनल पे वीडियो से आप लोग देखते हो, आपके कमेंट्स लाइक्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। मेरी ऑडियंस को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ट्रस्ट मी गाइस बहुत मेहनत लगती है और मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, मुझे पर्सनली इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपका एक थोड़ा सा सपोर्ट मुझे मोटिवेशन दे सकता है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।